हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आपसे स्वागत है अमानत डे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का रक्षाबंधन का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से और शेयर करना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी इस तरह का पोस्टर बनाकर शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेते हैं तो इस तरह का पोस्टर बहुत ही आसानी से आप बनाकर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, वो भी पूरा फुल HD में। आपका चेहरा थोड़ा भी नहीं फटेगा। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इसका पीएलएफ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आपको इसका PNG भी मिल जाएगा और साथ में आपको PLP फाइल भी, एक जी फाइल रहेगा और जी फाइल में पासवर्ड लगा रहे, तो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में चार जगह दिखेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पासवर्ड नहीं दिख पाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको चारों पासवर्ड मिल जाएगा, वो पासवर्ड आप डाल के इसको अनजिप कर लीजिएगा। तो हमें भी पोस्टर बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमको मजबूरी में पासवर्ड डालना पड़ता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब वीडियो को पूरा क्लिक देखते नहीं है साथ में, और बीच में कट करके चले जाते हैं। तो इस तरह से वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है हमें। तो दोस्तों, एक पोस्टर बनाने में हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाता है और उसमें आप बहुत ही आसानी से इस तरह का पोस्टर बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखिए और पासवर्ड ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपको इसको डाउनलोड करके अनजिप कर लीजिएगा तो उसमें आपको PNG भी और बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। तो कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, और PLP फाइल भी ऐड करना चाहते तो वो भी मैं आपको बता दूँ किस तरह PLP फाइल ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल एप्लीकेशन ओपन कर लें तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब आपको PLP फाइल ऐड करना रहेगा तो जो भी जी फाइल का नाम दिया रहेगा, मैं उस जी फाइल का नाम आपको ध्यान में रखना है और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन डॉट पी एल फाइल पर क्लिक करना है। उसको दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए .plp लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फोल्डर शो करेगा। तो यहाँ पे फोल्डर शो करेगा तो जहाँ पे जिसे मैंने लिखा रहेगा रक्षाबंधन बैनर एडिटिंग, इस तरह का फोल्डर आपको दिखेगा। क्योंकि मैं अभी ये फोल्डर बनाया नहीं हूँ तो इसलिए यहाँ पे से नहीं दिख रहा है। जब मैं यहाँ पे बना दूंगा तो यहाँ पे उसका फोल्डर दिखेगा। तो अब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो जब आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके अनजिप कर लें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जैसे इस तरह PLP शो करेगा। तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर टच करके इसको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ और अब मैं बता देता हूँ किस तरह से जो भी बैकग्राउंड मैं दिया हूँ किस तरह से आप ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड से, तो बैकग्राउंड से भी ऐड कर ले सकते हैं। आपका PLP ऐड नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रॉम यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, TextPNG सेलेक्ट कर लेना है। तो TextPNG सेलेक्ट करने से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ पे TextPNG वाला है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बीच वाला पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको रिलेटिव, इसके ऊपर टच करके ये वाला लाइन जो है इसको पूरा 100% कर देंगे और फिर टिक पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से करके यहाँ पे जो बच्चे लोग का फोटो यहाँ पे, उसको यहाँ पे PNG को यहाँ पे सेव कर लेंगे, ये वाला PNG यहाँ पे सेव कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी यहाँ पे टच करके इसको भी 100% कर लेंगे और यहाँ टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, और एक PNG ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे PNG ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे ये वाला PNG ऐड कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरह से साइज को पूरा फुल कर लेते हैं। इस तरह PNG ऐड कर लेंगे। उसको दोस्तों आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा लेना है। तो आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो का बैकग्राउंड आपको पहले रिमूव कर लेना है। तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं उस पर मैं पूरा वीडियो बनाया हूँ, उस तरह पूरा, मतलब अब जैसे मैं बताया हूँ उस वीडियो में, उस तरह से अगर बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड रिमूव होगा, जो फोटो रहेगा तो उसी क्वालिटी में रिमूव होगा, पूरा HD में रिमूव होगा। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा और बहुत ही आसानी से मतलब आप वहाँ से फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने में दोस्तों आपको यहाँ पे उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो है, तो यहाँ पहले से मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं मैंने धुंधला किया है, तो उस वीडियो में ये भी बताया हूँ मतलब नीचे से धुंधला कैसे करेंगे, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर।
इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको भी हम यहाँ पे फ्रेश ऑफ एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से आपको अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ोटो जो रहेगा तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है, फिर प्लस एन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ पर ये वाला PNG ऐड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते ये वाला PNG है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ हम यहाँ पे 100% कर लेंगे। यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करें यहाँ पे सभी को लॉक कर देंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सभी को लॉक कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देंगे, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर सभी को लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या होगा यहाँ पर किधर भी मतलब टच करेंगे तो हिलेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहते तो आप अपना नाम लिख लेना, तो नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है और आपका जो भी नाम रहे तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ स्टार बॉय गोलू राज और यहाँ पे हम एक पेड़ का ही वाला ऑप्शन दे देते हैं यहाँ से। डाउन कर देंगे वो यहाँ से ओके कर देंगे। उसको दोस्तों हम इसके नाम को यहाँ पर ला लेंगे और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश का, तो यहाँ से हम कोई भी फंड सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी फंड यहाँ पे अच्छा लगे उस फंड को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसका जो साइज़ है हम यहाँ पर साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे, यहाँ पर साइज़ को एडजस्ट अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेना है इस तरह से। और उस टिक पर क्लिक करके इसको कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे वाइट कलर चेंज कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे स्टार बॉय लिखा है इसको हम यहाँ पे येलो कलर दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर दे देते हैं। उसको दोस्तों हम यहाँ पे एक और PNG का वो PNG भी हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और ये वाला PNG हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देंगे और फिर हम यहाँ पर पिक्चर पर टच करेंगे और इसको हम यहाँ पर पूरा फुल साइज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक पे क्लिक करके इसको टू बैक पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे टू बैक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते जो नाम हमने लिखा है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम पहले यहाँ पे लॉक कर लेना है, यहाँ पे देखिए नीचे आके इसको लॉक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नाम जो लिखे हैं उसको आपको सही से एडजस्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके और इस तरह से सही से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं। उसके लिखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं एड्रेस देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ वाच यूट्यूब अमानत डे और यहाँ पर दो दिन दे देता है इस तरह से और यहाँ से डाउन कर दिया और यहाँ से ओके। उसको दोस्तों इसको हम यहाँ पर नीचे ला के और ये जो पट्टी है इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हम पहले इसको साइज़ को छोटा कर लेंगे, साइज़ को छोटा करके इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर वाइट कलर कर लेंगे और यहाँ से बीच में यहाँ पर यूट्यूब का जो कलर है वो चेंज करना चाहेंगे तो वो भी कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसका जो साइज़ है फ्रंट का साइज़ इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मोटा कर देंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टच कर देंगे तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देंगे। इस तरह करके आपको यहाँ पर पोस्टर बन जाएगा इस तरह से, बहुत ही आसानी से मतलब पोस्टर बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव टू गैलरी में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों इसको HD में करने के लिए उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा। और उस वीडियो को देख लेते तो किसी भी फोटो या पोस्टर को बहुत ही आसानी से HD में कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।